फॉरेस्ट की जमीन है उधर, कुछ घर बन गए ले, बड़े बड़े बंगले बन गए हुए। सरकारी जमीन खाने का तरीका कौन सा है कि जो ग्राउंड देगा हम उसके साथ, तो ये भाई खेलना चालू कर दिए। खुद ही गेट निकालते हैं, रात को खुद ही किसी को भेज के ताला मरवाते हैं। वहाँ संपर पंप रूम क्यों बनाए? ये तो बेवकूफी है ना तुम्हारी। 30% वो प्लॉट खाएंगे ना जो आज मैदान करके दिखा रहे, और उसका सिर्फ 70% जगह बचेगी। वो भी कैसी बचेगी? वो कॉर्पोरेशन तय करेगी। और अब ये कोई तभी दरवाजा करके एक्टिंग करते, इलेक्शन आया इसके लिए खिलवाड़ करना चाहते हो। ईमान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, हमारे दीन के साथ नाम पे खिलवाड़ नहीं कीजिए। मित्तल की जगह में कोई जगह डेवलपमेंट के लिए बची नहीं है। बड़े बड़ी मूंछें रखने से अक्कल आती नहीं है। इधर बहुत से घफले हैं, बहुत से एमिनिटी प्लॉट खाए गए हुए कि उन्होंने कुछ 50 लाख के 1 करोड़ रुपए खुद का पर्सनल सेविंग चेक दिया है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा की राजनीति काफ़ी तेज़ है, और ऐसे में नजीब मुल्ला और जितेंद्र भाट के बीच में अब कहीं ना कहीं एक टकराव होते हुए भी नज़र आ रहा है। आज अचानक नजीब मुल्ला का मुंब्रा में दौरा हुआ, कई जगह पर इन्होंने विज़िट किया, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एमएम वली के पास कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान में भी काम शुरू किया गया है। उसके लगकर ही नाला है, उसको लेकर भी कुछ मनपा के अधिकारियों के साथ में इन्होंने वहाँ पर भी विज़िट किया। नजीब भाई, आज अचानक आप शाम के वक्त जो है कब्रिस्तान पर पहुँचे, कुछ नाले की भी बात थी और कब्रिस्तान को लेकर भी क्या पूरा मामला था जो आप अचानक आए? कुछ दिनों से मुझे मुमरा में अधिकारियों को लेकर दौरा करना था। ऐसा है कि मनमानी चल रही है, और पूरे कब्रिस्तान के बाजू से जो रास्ता आता है बड़ा, उसका जो रोड में से नाला जो हॉस्पिटल को लग के जाता है, वो नाले को बंद किया गया है। अपने ज़मीन में से जो नेचुरल फ्लो के नाले को बंद किया गया है, उसको डाइवर्ट किया गया है। जो स्लॉटर हाउस के रिजर्वेशन की जगह है, जो बिल्डरों ने लिया है, उन्होंने मनमानी करके भराव किया है। इसके लिए मैंने तहसीलदार, उपायुक्त, सब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सबको लेकर आया था, क्योंकि वो नाला नहीं खोला गया सही तरीके से। तो मुमरा कौसा के अंदर जो एसटीपी के पीछे से पूरा नाला है भर जाएगा, तो लोगों के घर में पानी चला जाएगा। आज भी नाला बड़े पैमाने पर बह रहा है, और अधिकारियों ने कबूल किया, खुद फोटो दिखाए कि नजीब भाई ये नाला बुझाया गया मनमानी से, हमारी नज़र में था नहीं। एक वो मसला था, दूसरा सरकारी ज़मीन थी, फॉरेस्ट की ज़मीन है, उधर कुछ घर बन गए ले, बड़े बड़े बंगले बन गए हुए, लोगों ने शिकायत की थी, तो वो दिखाने आया था कि लोगों के घरों को तुमने बने हुए घरों से लोगों को निकाल के तोड़ा है कुछ महीने पहले कार्रवाई के अंदर, तो इतने आलीशान बंगले कैसे बने? और जिन्होंने बंगले बनाए ज़ाती तौर पर ज़मीन खरीद के बनाए, सरकारी जगह पर क्यों बना रहे? वो सरकारी ज़मीन हमारी बचेंगी तो हम कुछ उस पर रिजर्वेशन डालेंगे, कुछ सहूलतें आवाम को दे सकते हैं। ये सरकारी ज़मीन खाने का तरीका कौन सा है, उसकी मुखालिफत में आया था। और तीसरा था कब्रिस्तान का मसला, जो आवाम ने पहले से कहा था कि 6 फुट की भरनी होनी चाहिए, बट बच्चे आमदार की जिद की भाई वो 2.5 फुट ही चाहिए, 2.5 फुट ही चाहिए, तो वो चीज़ के लिए आया था मैं आज। इसके अलावा मुमरा शहर में एक और मुद्दा काफ़ी तेज़ है ग्राउंड को लेकर। आज विधायक जितेंद्र रावत वहाँ पर गए थे, जो गेट लगा था वो तोड़ दिया गया। उनका कहना है कि ये मित्तल की ज़मीन है और ये ग्राउंड के लिए मुमरा कासा वालों को दिया जा रहा है, तो क्या वाकई में वो ज़मीन जो है ग्राउंड के लिए लीगल है? आपके पास इसके बारे में क्या जानकारी है? वो ज़मीन मित्तल की है या कोई आदिवासी की है, उसकी तहकीकात करनी पड़ेगी, क्योंकि गेट पे नरोत्तम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नहीं, मित्तल की सोसाइटी का नाम है, और बाजू में बड़ा बोर्ड तो कोई आदिवासी का नाम है, तो बेशक वो आदिवासी की है कि मित्तल की है, ये सरकार कुछ दिनों में तय करेगी। हमने कलेक्टर को डिमांड की है कि साबित करे वो ज़मीन किसकी है। बेशक वो आरजी रिजर्वेशन है, रिक्रिएशन ग्राउंड का रिजर्वेशन है, और विधायक जी ने आके आज जो छोटी छोटी बातें, जो ग्राउंड ज़रूरी है, अब जैसा उन्होंने देखा कि आवाम कहने लग गई कि जो ग्राउंड देगा हम उसके साथ, तो ये भाई खेलना चालू कर दिए। 15 साल में जब आवाम चिल्ला रही थी, तो ये गुरूर तकब्बुर में थे कि इनको लगता था कोई इनको हरा नहीं सकता है। इनकी ज़मीन अभी जब नीचे से हिलने लगी, तो छोटे छोटे मुद्दे पे खुद आने लगे, खुद ही ताला तोड़ते हैं,
खुद ही गेट निकालते हैं, रात को खुद ही किसी को भेज के टाला मरवाते हैं, हाइप करने का, क्रेडिट लेने का, ये एक आमदार साहब का एक नया तरीका हुआ है। रही बात वो आरजी ग्राउंड की, तो मैं आमदार साहब को आपके ज़रिए पूछना चाहता हूँ कि जब 2009 में आप चुन के आए, भले हमारी दावतों पे और सब नौजवान बुज़ुर्ग और माँ बहनों के सबके मदद के ज़रिए आप चुन के आए, आने के बाद में उस दौरान पे उसी के बाजू में सर्वे नंबर 52 और सर्वे नंबर मेरे ख्याल से 44 ऐसे 42 ऐसे कुछ सर्वे नंबर था स्टेडियम के बाजू में, वो भी आरजी ग्राउंड का रिजर्वेशन था, वो खुला हुआ मैदान बच्चों को खेलने के लिए वहीं मुहैया करा दिए होते, वहाँ सम्प और पंप रूम क्यों बनाए? ये तो बेवकूफ़ी है ना तुम्हारी। आज आवाम गिड़गड़ा रही है खुले मैदान में खेलने के लिए, उधर सम और पंप बना दिए तुमने, तुमने फजूल की जगह पूरी वेस्ट कर दी है, तुम्हारा गोसा भी, तुम्हारा हुकुमशाही, कोई प्लानिंग नहीं। और आज जो ज़मीन खोल के दे रहे, आमदार साहब यकीन के साथ बोले कि उधर एकोमोडेशन रिजर्वेशन में बिल्डिंग बांधेंगे नहीं, 30% वो प्लॉट खाएंगे नहीं जो आज मैदान करके दिखा रहे। बताएं, मुझे तो किसी ने आज कहा उनके ही साथी ने कि उन्होंने कुछ 50 लाख के 1 करोड़ रुपये खुद का पर्सनल सेविंग चेक दिया है, तो उन्होंने जो 50 लाख या 1 करोड़ रुपये मित्तल को जो पैसा दिया है एडवांस, क्या वो पब्लिक के लिए पूरा आरजी रखने के लिए दिया है कि उधर बिल्डिंग बनाने के लिए दिया है? कल बिल्डिंग बनने वाली है एआर में, और उसका सिर्फ 70% जगह बचेगी, वो भी कैसी बचेगी वो कॉरपोरेशन तय करेगी। मगर सबसे अहम इस्लामुद्दीन भाई ये है कि जो कॉरपोरेशन के पास आज की तारीख में खुद का मैदान है, 15 साल से खुद के कंपाउंड मारा हुआ है, नाजिम भुबेरे साहब मौजूद है, सलीम ढोले और नासिम भुबेरे साहब, उनसे पूछिए, उन्होंने हैंड ओवर किया हुआ है 52 नंबर का। उसके बाद में आप वीरानी फैमिली को पूछो, स्टेडियम के बाजू का टीडीआर उन्होंने हैंड ओवर किया, कौन से साल में उन्होंने हैंड ओवर किया है? आरजी रिजर्वेशन का प्लेग्राउंड है, उधर भलती चीज़ लाए और अब ये कोई तभी दरवाज़ा करके एक्टिंग करते, तो ये साबित होता है कि हकीकत में तुम आवाम को सहूलत देना चाहते हो कि खेल करके उनके साथ खिलौना व्यवहार करके इलेक्शन आया इसके लिए खिलवाड़ करना चाहते हो। कल ही खारेगांव में आग लगी, 2019 में 7 फायर ब्रिगेड खड़ा हुआ, फायर ब्रिगेड स्टेशन दिया करके खारेगांव में 2019 के उनके उड़ान किताब में रखा हुआ है। कल एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं है। जब फायर ब्रिगेड को चीफ फायर ऑफिसर को कल पूछे तो बोले नजीब भाई कुछ नहीं, वो आवाज साहब को बोलते इलेक्शन के लिए करना था, इसके लिए ज़बरदस्ती एक पत्र का शेड डाल के फायर ब्रिगेड बताया। वैसा मामला ये खेल के मैदान का है। कल बिल्डिंग आने वाली है, उनसे पूछो चेक दिए कि नहीं तुमने, एडवांस बुकिंग किए कि नहीं मित्तल के पास, बिल्डिंग बनाने वाले वो, यहाँ बहुत से अच्छे बिल्डर बैठे हुए इस मजमे के अंदर, उनसे पूछो, वो प्लॉट के ऊपर उनकी भी नज़र थी, वो बताएंगे आवर साहब ने 50 लाख या 1 करोड़ का खुद का चेक दिए कि नहीं। हॉकर का मुद्दा काफ़ी है, तो हॉकर जोन के लिए हॉकरों का भी कहना है कि अगर मिल जाता है तो रोड पर नहीं धंधा लगाएंगे। बेशक ये सहूलत देनी चाहिए। आज 5 से 7 लाख की आबादी के अंदर मार्केट नहीं है, और अमृत नगर शादी महल जो वो किस्मत कॉलोनी वो बीच का पट्टा है, वो सेंटर है, एक तरफ कौसा गांव और आगे का नया डेवलपमेंट और एक तरफ जूना मुमरा, तो वो सेंटर डेवलपमेंट है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मबूद या जुमेरात के दिन हम मुमरा के लिए तकरीबन पहला टप्पा क्या रिजर्वेशंस में तब्दीली होनी चाहिए, क्या सहूलतें देनी चाहिए, ये हम आपके सामने लाएंगे। हमें हज हाउस नहीं चाहिए, हज हाउस से मुमरा में कोई हज का कोटा बढ़ के नहीं मिलने वाला है। हमारे ईमान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, हमारे दीन के साथ नाम पे खिलवाड़ नहीं कीजिए। आपको वोट मिले थे, आप खुश रहिए, खिलवाड़ ना करें। हमको हज हाउस में बच्चों को कोई नौकरी भी नहीं मिलने वाली है। हमें चाहिए गरीबों के शादी कराने के लिए प्रोग्राम करने को हॉल, हमको चाहिए मार्केट। अरे वो बिल्डर जो उनके ही है, उसके अंदर भी उनके रिटर्न पार्टनर है, वक्त आएगा ना तो उनके साथ में जो जिंदाबाद मुर्दाबाद इनिंग करके घूम रहे ना, शेर बन के उनके नाम है डॉक्यूमेंट पे, वो जा रहे TMT का रिजर्वेशन निकाल के हज हाउस में कन्वर्ट करने को कि जगह ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग के लिए मिले। हम मार्केट लाना चाहते हैं उधर, हम वहाँ मार्केट लाएंगे। सेंटर है, हम डिमांड करेंगे, वहाँ मार्केट का रिजर्वेशन है छोटा। जो ड्रामा थिएटर का रिजर्वेशन है, हम वहाँ वार्ड ऑफिस लाना चाहते हैं, अच्छी सहूलत के साथ वार्ड ऑफिस मिले। दीगर रिजर्वेशन है उधर, हम गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, शादी महल हॉल, हम वो लाना चाहते। तुम्हारा शादी महल हॉल किधर है अल्लाह जानता है, डायलिसिस सेंटर किधर है अल्लाह जानता है। हम कुछ ऐसे सहूलतें लाने वाले हैं, और हम मार्केट के, हमारी डिमांड है
क्योंकि मित्तल की जगह में एक ही बार इसके बाद कोई जगह डेवलपमेंट के लिए बची नहीं है। यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है कि तुमको रिजर्वेशन नहीं आएगा। कौसा तालाब से पकड़ेंगे आप या आगे वाई जंक्शन से, वो डीपी रोड है, वहाँ से के मुमरा जाएंगे तो आप जगह बची नहीं है। जो डेवलपमेंट होना है हमको सोच समझ के, बिल्डर भले हमारे मुमरा के बाशिंदे होंगे, भले उसके पार्टनर इनके पार्टनर होंगे, फ्री में वर्किंग पार्टनर होंगे 15-20% साथ में घूमने वाले, हमको बिल्डर का भला नहीं सोच के हुए, आवाम को जो ज़रूरत है उसकी एमिनिटी लाने वाले। हमने एमिनिटी की डिमांड की है, हम मार्केट वहाँ लाना चाहते हैं। टीएमटी की जगह पे हज हाउस आने वाला तो हमको हज हाउस नहीं चाहिए, बाजू में जो मार्केट का रिजर्वेशन है उसकी जगह पे मुकम्मल पूरा मार्केट हमको चाहिए। हमको जितना मार्केट का रिजर्वेशन की जगह है, कॉरपोरेशन उसको प्रेस करके पूरी रिजर्वेशन लेवे कि 500-600 फेरी वाले उधर आ सके, दिन में धंधा करे, शाम में धंधा करे, और जब वो पूरा मैदान हमको कोई कल्चरल प्रोग्राम, कोई हमको इलेक्शन सभा, हमको कोई दिन का प्रोग्राम के लिए कन्वेंशन यूज़ करना पड़े तो वो मैदान हम उस चीज़ के लिए यूज़ करें। बड़ी बड़ी मूँछें रखने से अक्ल आती नहीं है, अक्ल अल्लाह सलाहियत में देता है। आखिरी सवाल कि जिस तरह से आपने बताया ये सब चीज़ें कि मिलना ज़रूरी है आवाम के लिए, इसी तरह से जो है जितेंद्र अवार्ड भी कहते हैं, लेकिन आप चुनाव जीतने के बाद क्या वाकई में ये सब पूरा कर? इस्लामुद्दीन भाई, चुनाव तो बहुत दूर की बात है, उम्मीदवार बनके अल्लाह मुझे नसीब फरमाए, इंशाल्लाह पार्टी मौका दे, मैं आज भी एक उनके लिए इच्छुक हूँ, बट इंशाल्लाह उम्मीदवार बनने के पहले आपको ये हम तब्दीली लाके देंगे, क्योंकि इलेक्शन आए तक तो ना ये मित्तल के सब रिजर्वेशन है ना बिक गए रहेंगे, और जो तब्दीली हो गई रहेगी, इधर बहुत से घफले हैं, बहुत से एम्यूनिटी प्लॉट खाए गए हुए, ये एम्यूनिटी आवाम का हक है, आवाम का हक है, हम वो निकालेंगे, और आवाम के इंक्लूसिव हाउसिंग, बहुत सी चीज़ें आने वाले दिनों में देखो, और रिजर्वेशन हम लाएंगे, रिजर्वेशन जो है तब्दील करेंगे। मैं क्या कहा, उन्होंने टीएमटी का रिजर्वेशन चेंज करके हज हाउस लाया, वो तो उन बैठे हुए सिटिंग एमएलए है ना, आज हमने सोच दी, देखो कल सुबह भाग के खड़े हो जाएंगे कि मैं ला के दूंगा। अभी मैंने दिमाग दे रहा हूँ आपको, हम टीएमटी की जगह पर हमको हज हाउस नहीं चाहिए, उसी के साथ में मार्केट रिजर्वेशन है, मुझे मार्केट रिजर्वेशन चाहिए, और मुझे मार्केट रिजर्वेशन के साथ साथ उसको इंक्लूसिव ऑल फैसिलिटी वाला शादी का हॉल बिल कैसा बनाएंगे हमको वो चाहिए। मुझे ड्रामा थिएटर नहीं चाहिए, एक ऑडिटोरियम 500-700 लोगों का बैठने का, मुझे उधर वार्ड ऑफिस चाहिए, सेंट्रल है, जिधर मेरे मुमरा के लोगों को आने को आसान पड़े। बट क्या मालूम है क्या, जब पैसा खाने की आदत पड़ जाए ना मिस्टर परसेंटेज को, तो आवाम की फिक्र बाद में मालूम पड़ती है। तो आपने सुना कि साफ तौर पर नजीब मुल्ला का कहना है कि आने वाले समय में जितने भी रिजर्वेशन ज़मीनें हैं वो सब शहर वालों के लिए जो है मुहैया कराई जाएगी, कि कहाँ कहाँ का रिजर्वेशन ज़मीन है उन सब पर नजीब मुल्ला की नज़र बनी हुई है।